बात कैसे हैं आप सब? Well, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के फेवरेट मोबाइल स्टोर द गैजेट जोन हमेशा आपके लिए नए नए ऑफर्स लाता रहता है और इस लॉकडाउन के बाद भी आप सभी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ऑफर डेफिनेटली होना चाहिए। सो इस बार हम ले आए हैं आप सभी का फेवरेट मोबाइल यानी कि एप्पल आईफोन बहुत ही अफोर्डेबल और इजी ईएमआईस पर, यानी कि आईफोन एसई सिर्फ और सिर्फ ₹54 पर डे की इजी इंस्टॉलमेंट पर अवेलेबल है। आईफोन XR ₹66, आईफोन 11 ₹76, आईफोन 12 मिनी ₹97, एप्पल वॉच एसई ₹121 ओनली, आईपैड सिर्फ और सिर्फ ₹82 की इजी इंस्टॉलमेंट पर अवेलेबल है। यानी कि इतनी कम ईएमआईज होने के बावजूद आपको कोई भी डाउन पेमेंट नहीं देनी है। तो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लाएं और अपनी पसंद का फेवरेट आईफोन या कोई भी एप्पल गैजेट घर ले जाएं। अगर आप ये फैसिलिटी अपने घर पर चाहते हैं तो द गैजेट जोन अवेलेबल है फ्री होम डिलीवरी विद इजी फाइनेंसेस के साथ। सो कॉल अस और विजिट अवर स्टोर। सी यू गाइस। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज के मुख्य समाचार: प्रधानमंत्री ने कश्मीर के नेताओं से की बैठक, घाटी में चुनाव की कवायद शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के शिक्षा बोर्डों से कहा 31 जुलाई तक घोषित करें रिजल्ट। नगर परिषद में दबा कर रखी गई प्रॉपर्टी आईडी की 166 फाइलें आई सामने, डीएमसी ने दिए जांच के आदेश। बोनसाई बेलसिंग आर्ट के लिए हरिधारा नर्सरी ने कमाया नाम। शहर के प्रसिद्ध होटल मालिक कालूराम का निधन। लॉकडाउन में बदहाली का शिकार हुआ पपिया पार्क। एमएमपीजी कॉलेज ने मनाई 91वीं वर्षगांठ। डीसी ने ली जल शक्ति मिशन की बैठक। बाढ़ के विकास में जुटे हैं प्रधान राजेंद्र कुकड़ेजा। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के करीब 2 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज राज्य के 14 दलों के नेताओं के साथ मीटिंग की। धारा 370 हटाने को लेकर घाटी के नेताओं और केंद्र सरकार में जारी तलखी के बीच आज बातचीत की कवायद शुरू हो गई। कश्मीरी नेताओं के साथ पीएम मोदी की यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें घाटी के उन बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो काफी समय तक नजरबंद रखे गए थे और अब तक पीएम से नाराज थे। इस बैठक में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत गुपकार अलायंस के बड़े नेता भी मौजूद रहे। इनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी बैठक में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक में जम्मू कश्मीर से राजनीतिक गतिरोध खत्म करने और चुनाव करवाने पर गंभीर चर्चा हुई। समाचार बोले जाने तक बैठक जारी थी। पूरी दुनिया की इस बैठक पर नजर है। बैठक के चलते कश्मीर में हाई अलर्ट जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज राज्य बोर्डों की 12वीं परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिया कि वे 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करें। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करने को भी कहा है। वाल्मीकि चौक पर डॉक्टर केशव गोस्वामी के क्लिनिक के आगे सड़क की मरम्मत को लेकर गड्ढा तो खोद दिया गया लेकिन अभी तक इसे भरा नहीं गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व पार्षद डॉक्टर केशव गोस्वामी ने कहा कि इस गड्ढे में गंदा पानी भरा है और सारा दिन बदबू फैलती रहती है। आज से 2 महीने पहले ये पब्लिक हेल्थ वाले पानी की पाइप डाल दी, बरसाती पानी निकालने के लिए ना, वाल्मीकि चौक से चिल्ली की तरफ ले जाने की। आज 2 महीने हो गए तो क्या कि हम कल परसों आके ना ये खड्डे भर देंगे, लेकिन साथ में सीवर की पाइप, टूटी की पाइप सब के तोड़ गए, कोई भी नहीं आया। काफी शिकायत करने के बाद भी ना पब्लिक हेल्थ में भी कंप्लेन की है, ठेकेदार को भी कहा है, यहाँ का वार्ड ग्राम से दफली उसको भी कहा है। नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी की 166 फाइलें दबी हुई मिली हैं। डीएमसी डॉक्टर मनीष नागपाल ने नगर परिषद के प्रशासक एसडीएम कुलभूषण बांसल को पत्र लिखकर इस मामले की जांच करने को कहा है। एडीसी ने एसडीएम को भेजे पत्र में कहा है कि प्रॉपर्टी आईडी मामले में उनको बताया गया था कि नगर परिषद के पास प्रॉपर्टी आईडी की मात्र 17 फाइलें पेंडिंग है। 2 दिन पहले जब वह नगर परिषद कार्यालय में जांच के लिए पहुंचे तो डिस्पैच रजिस्टर देखने पर पता चला यहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी के नप की बिल्डिंग व गृह कर ब्रांच में 166 फाइलें लंबित पड़ी हैं। उन्होंने एसडीएम से कहा कि इस मामले की जांच करें और लापरवाह अधिकारियों व दोषी कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करें। पत्र में एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि
एक सप्ताह में सभी फाइलों को निपटारा कर विस्तृत जांच रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाए। एक्सप्लोर माई सिटी के तहत हमारे संवाददाता साहिल रहेजा ने सरसा रोड स्थित हरिधारा नर्सरी का विजिट की। नर्सरी के संचालक अनूप धोड़िया पेशे से वकील हैं, लेकिन उनका पैशन ग्रीनरी को बढ़ावा देना है। इसी पैशन के चलते उन्होंने शहर में ऐसी नर्सरी की स्थापना की है जहां बोनशाई और बैलेंसिंग आर्ट के नमूने देखे जा सकते हैं। यहां से आप ऑर्गेनिक सब्जी व स्टाइलिश गमले भी ले जा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे थोड़ा गौर से तो आपको यूं लगेगा किसी पहाड़ पे बड़े बरगद में जिससे शाखाएं लटक रही हैं उसका छोटा रूप है। जी जी सर। और बीच में से नदी आ रही है। जी सर। और ये पहाड़ कहीं से छोटा होता है कहीं से बड़ा होता है। जी जी। बिल्कुल वैसा वैसा मॉडल तैयार किया हुआ है। जी जी सर। और इसके अलावा और दिखाता हूँ आपको। जी जी सर। एक ये देखिए, ये भी रॉकी स्ट्रक्चर खुद तैयार किया हुआ है। जी जी। और इसके अंदर ये लंबे जैसे जंगलों पहाड़ी जंगलों में लंबे पाइन के ट्रीज होते हैं या उस टाइप, वो मॉडल दिखाया हुआ है। जी सर। ये सिंगल शेप मूवमेंट भी दिखाया हुआ है इसको। जी सर। ये मूवमेंट भी खुद बनाई हुई है, ये ट्रे और ये स्ट्रक्चर भी खुद बनाया हुआ है। जी सर। एक ये देखिए, ये दूर से आप इसको नोटिस करेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी जड़े, इतनी बड़ी बड़े दिखने को वही मिलते थे पहाड़ों में, बहुत बड़े बड़े पेड़ और उनकी शाखाएं लटकी हुई और बड़ी बड़ी जड़े बाहर निकली हुई। जी जी। ये उसका मॉडल है। जी सर। आप अनूप धोड़िया का पूरा इंटरव्यू कल दोपहर 12 बजे स्ट्रीटमेल टीवी पर देख सकते हैं। सद्भावना अस्पताल में उपचाराधीन कोरोना के आखिरी मरीज को कल उपचार के बाद रिलीव कर दिया गया। इसके साथ ही अब इस अस्पताल में कोरोना का कोई मरीज नहीं रहा। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अंशुल सहगल ने बताया कि आखिरी मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद अस्पताल में फॉगिंग करवाई गई है ताकि कोरोना का कोई वायरस हवा में भी ना बचे। एमएमपीजी कॉलेज ने आज अपनी स्थापना के 51 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। कॉलेज की 51 वर्षगांठ के अवसर पर आज कॉलेज में सुखमणि साहिब का पाठ रखा गया, जिसमें सांसद सुनीता दुग्गल के पिता सत्यनारायण खगनवाल व माता शकुंतला खगनवाल, पूर्व सीपीएस प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा, पूर्व सांसद अशोक तंवर की धर्मपत्नी अवंतिका माकन तंवर, वरिष्ठ भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट, कुलजीत कुलड़िया सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में खगनवाल दंपत्ति ने सांसद सुनीता दुग्गल की ओर से कॉलेज के विकास के लिए 15 लाख रुपए व प्रबंधक समिति प्रधान राजीव बत्रा ने निजी कोष से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। मैं मनोर मेमोरियल कॉलेज फतेहाबाद के 51 स्वर्णिम वर्ष पूरे होने पर फतेहाबाद वासियों को, हरियाणा प्रदेश के सभी जन जन को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं आभार व्यक्त करता हूं इस संस्था के स्थापक माननीय परमादरणीय श्री खेमराज बत्रा जी, जिनके दिशा निर्देश अनुसार स्वामी गीतानंद जी के मौजूदगी में इस संस्था की स्थापना 24 जून 1970 को की गई। एक सपना था उस समय के बुजुर्गों का कि हमारी छात्राएं जो आर्थिक मंदी के कारण, सामाजिक जुड़ाव के कारण अपनी उच्च शिक्षा के लिए सिरसा फतेहाबाद क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती, उस समय की उनकी सोच को मैं सलाम करता हूं और परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूं कि उनका आशीर्वाद सदैव मनोर परिवार पर इसी तरह से बना रहे। और ये पौधा लगाया गया तो सबका यही विचार था कि ये हमारा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है, लड़कियों की शिक्षा का यहाँ कोई प्रबंध नहीं था, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस कॉलेज की, स्वामी जी के आशीर्वाद से इस कॉलेज की स्थापना की गई। और हमारा प्रयास था कि इस इलाके का गरीब बच्चा जो भी शिक्षा लेना चाहे वो इस कॉलेज से पैसे की कमी की वजह से शिक्षा लिए बगैर ना लौटे, और हमारा आज भी यही प्रयास है। जो भी गरीब बच्चे आते हैं तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हमें अधिक से अधिक उन्हें सुविधा दें। गोल्डन ढाबे के कट बंद किए जाने से खफा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि सरकार जानबूझकर पानीपत से जलंधर पर हाईवे पर बने कटों को बंद कर रही है ताकि होटल व पेट्रोल पंप बंद हो जाएं। उन्होंने कहा, हाल ही में किसानों की मदद करने वाले गोल्डन ढाबा के कट पर भी बैरिकेड्स लगाकर कट को बंद कर दिया गया है। चढ़ूनी बोले, अब सुनने में आ रहा है कि सरकार पानीपत से जलंधर जाने वाली सड़क के सभी कटों को बंद कर रही है। साथियों, जैसा दो दिन से चल रहा है कि गोल्डन ढाबा के आगे उन्होंने बैरिकेड लगा दिए हैं, पत्थर लगा दिए हैं, और काफ़ी दो दिन से मीडिया पे चल रहा है
वो किसानों की बहुत सेवा कर रहा था। साथियों, अब मालूम हुआ है कि पानीपत से लेके और जलंधर तक वो सब के आगे पत्थर लगा रहे हैं, जितने भी कट हैं उन सब को बंद कर रहे हैं, जितने होटलों के आगे या पेट्रोल पंपों के आगे वो सब कट बंद कर रहे हैं। साथियों, अगर पूरे जीटी रोड के सारे कट बंद कर दिए जाते हैं तो सारे पेट्रोल पंप और सारे ढाबे एक तरह से बंद हो जाएंगे, कई कई किलोमीटर तक लगातार कट नहीं है। तो साथियों, अच्छा है मैं ढाबों वालों से और पेट्रोल पंप वालों से, पानीपत से जलंधर तक जितने भी ढाबे और जितने भी पेट्रोल पंप हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी जाग जाए, अभी मौका है। एक बार बंद हो गए तो फिर दोबारा से बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अभी मौका है, अभी जाग जाए। और इसका मतलब मेरी समझ में एक और ये आ रहा है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ढाबे जानबूझ के बंद कराए जा रहे हैं, आगे कंपनियां ढाबे खोलेंगी और आपको 100 रुपए का चाय का कप मिलेगा। शहर पुलिस ने सुमित उर्फ कटवा निवासी राजीव कॉलोनी को मिनी बाईपास के पास से 315 बोरे की पिस्तौल व एक कारतूस सहित काबू किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पंचनद स्मारक ट्रस्ट के तत्वाधान में आज पुरानी कचहरी रोड स्थित पंचनद सदन में कोविड मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का शुभारंभ ट्रस्ट के संरक्षक पंडित चरणजीत शर्मा, भीमसेन आनंद, राजीव बत्रा, अशोक मक्कड़ व नप के पूर्व प्रधान तथा पंचनद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दर्शन नागपाल ने किया। जिला प्रधान गुलशन रुखाया ने कैंप में भाग लेने वाले लोगों का आभार जताया। जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ है और मुझे जिला प्रधान की जिम्मेवारी मिली है, तो पंजाबियों के साथ साथ पूरे समाज का हम भला करने की सोचते हैं, हमारी टीम इस बारे में सोचती है। उसी कड़ी में आज हमने पंचनद सदन में कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया था, जिसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। अभी लगभग दोपहर का समय है और लगभग 100 से 125 के बीच में वैक्सीन लग चुकी है, शाम तक लगभग 300 के आसपास लग जाएगी। तो मैं सभी शहरवासियों का और हमारी पूरी टीम का, जिन्होंने इस कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, सभी को मैं बहुत तहदिल से धन्यवाद करता हूँ। गांव बुंदड़ा में कल गुरुद्वारे का गुमंद गिरने के मामले में आज जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल गाँव बुंदड़ा में पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारा निर्माण के लिए 1 लाख व मृतक मिस्त्री अशोक के परिजनों को 50,000 रुपये सहयोग देने की घोषणा की। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट राजेंद्र कुकड़ेजा न केवल बार एसोसिएशन के प्रधान हैं, बल्कि वह कई धार्मिक और सामाजिक समस्याओं से भी जुड़े हैं। इन दिनों वह न्यायिक परिसर में नए वकीलों के लिए चैम्बर बनाने का कार्य की योजना पर कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि जहाँ उन्होंने बार एसोसिएशन में सरकारी और सामाजिक लोगों के सहयोग के लिए विकास कार्य करवाए हैं, वहीं पिछले कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों को बार काउंसिल से आर्थिक मदद भी दिलवाई है। एडवोकेट राजेंद्र कुकरेजा से हमारी संवाददाता समाधि गौतम ने बात की। जैसे कि सर, वकीलों ने डिमांड भी की है कि हमारे लिए वो नए चैम्बर वाली बिल्डिंग तैयार करवाई जाए, तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? मैंने इस चैम्बर बिल्डिंग के लिए हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी से सेंक्शन करवा ली है और उसके बाद आज ही मुझे उपायुक्त ने बुलाया था। मैं उपायुक्त को उनके साथ एग्रीमेंट दूंगा और एग्रीमेंट देने के बाद मैं मुख्यमंत्री से ही चैम्बरों का उद्घाटन कराऊंगा और बाकी मांगे पूरी कराऊंगा। आप यह पूरा इंटरव्यू कल दोपहर 2 बजे स्ट्रीट मेल टीवी पर देख सकते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक ने आज अपना 114वां स्थापना दिवस मनाया। शाखा प्रबंधक हरीश मदान ने बताया कि स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बैंक ने कई आकर्षक रिटेल लोन की स्कीमें शुरू की हैं। वर्तमान में बैंक ने बहुत सारी स्कीमें लागू की हैं। वर्तमान में बहुत ही सस्ती स्कीम और अच्छी स्कीम गोल्ड लोन व अन्य आकर्षक स्कीमें लागू की गई है बैंक द्वारा। खेती बाड़ी के लोन व अन्य व्यापारी के लोन कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुदर्शन नरुल्ला ने वार्ड नंबर 1 से पार्षद पद का चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वहीं वार्ड नंबर 2 से वह अपनी धर्मपत्नी प्रवीण नरुल्ला को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। डीसी महावीर कौशिक ने आज लघु सचिवालय के सभागार में जल शक्ति मिशन के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा को लेकर अधिकारियों की एक बैठक ली। डीसी महावीर कौशिक ने
कहा कि जल शक्ति मिशन के तहत फतेहाबाद जिला को हरा भरा बनाए, पानी की एक एक बूंद बचाए। जिले में आज कोरोना के 10 केस सामने आए हैं, इनमें अकेले भट्टू क्षेत्र में 8 केस शामिल है। सुक्त यह रहा कि आज कोरोना से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। फतेहाबाद की अनाज मंडी में स्थित सुप्रसिद्ध कालूराम होटल व जीटी रोड स्थित अरोमा होटल के संचालक कालूराम फोटेला का आज निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज शिवपुरी में गमगीन माहौल में हुआ। उनके निधन पर शहर की सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक संस्थाओं ने शोक व्यक्त किया। दिवंगत कालूराम फोटेला एक साधारण शख्स थे, उनका स्वभाव बड़ा सरल था। बताते हैं कि उनके होटल की प्रसिद्धि भी उनके सरल स्वभाव से ही मिली। शहर का सबसे बड़ा पार्क पपिया पार्क बदहाली का शिकार हो गया है। अनेक बार समाचार प्रकाशित होने व अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बावजूद भी कोई अधिकारी इस पार्क की सुध लेने को तैयार नहीं है। पार्क में 2-2 फुट गहरी घास उखाई है जो जंगल की तरह लगती है। बड़ी घास होने की वजह से सांपों ने यहां डेरा डाल लिया है। यहां दिन भर बच्चे खेलते हैं और बुजुर्ग योगा करते हैं। कोई भी जहरीला जानवर घास में छिपकर किसी पर भी हमला कर सकता है। पार्क के सैर करने वाले ट्रैक टूट गए हैं, झूले बदहाल हैं, शौचालय कई महीनों से बंद है, जिसके चलते सैर करने वाले लोग शौचालय के पीछे यूरिन करने को मजबूर हैं। पार्क में चारों ओर गंदगी के ढेर लगे हैं। महामारी के टाइम प्रशासन और अधिक बीमारी फैलाने का न्योता दे रहा है। पार्क में सैर करने वाले व माल्टाउन वासियों ने पार्क की सुध लेने की गुहार की है। वहीं पार्क के सामने पिछले 15 दिनों से सड़क बैठी हुई है, जिसके चलते आए दिन यहां पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन किसी को भी इसकी परवाह नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप निरंतर बने रहे स्ट्रीट मेल टीवी के साथ। YouTube पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब करना, Facebook पर जाकर स्ट्रीट मेल पेज को लाइक करना ना भूलें। आपसे आग्रह, स्ट्रीट मेल टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कल फिर मिलेंगे नई सूचनाओं व समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।